राम जन्मभूमि को लेकर 1990 और 92 में उज्जैन से भी कई कार सेवक पहुंचे। उस समय उज्जैन उत्तर से विधायक रहे पारस चंद जैन भी अपने साथ दल के 40 सदस्यों को लेकर पहुंचे थे। 1990 में पारस जैन और उनके साथियों को भी जेल में बंद कर दिया गया था। वही 1992 में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने के दौरान भी वह उनकी टीम के कई सदस्य मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने कार सेवक से इस दौरान चर्चा की है। 40-40 जनों का ग्रुप बना था और जब हमारे साथ शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी भी थे और झांसी में हमें को रोक कर गिरफ्तार कर दिया था। झांसी में कृषि यूनिवर्सिटी है, उसमें 4 गेट थे और एक गेट में हम लेके हम फिर झांसी में नारेबाजी करते हुए करीबन 2 या 2.5 घंटे वहाँ का कोई बुजुर्ग आदमी मिला था दाढ़ी वाला, उसने हमको खूब घुमाया। 2 घंटे में शायद लगता है कि हम इतने स्पीड में घूमे थे, जिसके बाद हमारे पीछे पुलिस पड़ गई। पुलिस ने फिर जैसे यदि ये भी थे अपने पंड्या जी के उसमें पढ़ने के कारण पंड्या जी का थोड़ा सा वहाँ झगड़ा हुआ तो शायद उनका हार्ट टूट गया था। और मैंने तो जितना मेरे ग्रुप के लोग थे मैंने कहा इसको कोई पुलिस वालों से कहा मैंने एक भी हाथ नहीं लगाएंगे, ये सब राम भक्त हैं, हम कोई आंदोलन करने नहीं आए लेकिन राम जी के नाम पर आए। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने हमको गिरफ्तार करके हमको झांसी भेज दिया था। झांसी से हमको मैथिलीशरण गुप्त की जन्मभूमि वहाँ भेज दिया था। वहाँ से एक नहर थी सरयू नदी नहर, उस नहर में हम रोज जाते थे, रोज नहाते थे। शांति स्वरूपानंद जी के साथ होने से हमको एक फ़ायदा ज़रूर था कि महाराज जी के जब लोग दर्शन करने आते थे तो कोई मिठाई लेके आता था। उस टाइम का बहुत पुरानी बात है तो मिठाई का हमको भी शौक था, तो प्रसाद के रूप में हमको मिठाई मिल जाती थी। और उसी के बाद बाणू में जब हम गए तो शिवा कोटवानी वगैरह सब थे, मेरे सामने ही वो मस्जिद टूटी थी राम मंदिर वाला जो मामला है उसको लेकर, और बहुत लोगों में उत्साह था। हम 8 दिन दिए तो शाम को कबड्डी खेलते थे शिवा कोटवानी और हम सब, तो शिवा कोटवानी का उस टाइम हार्ड भी टूटा था। एक नारा भी लगाया करते थे आप लोग, क्या नारा? हम शाम को अयोध्या की गली में घुमा करते थे, दाल बाटी चूरमा हम उज्जैन के सुरमा। इससे फिर बाद में जनता खूब आती रही, खूब जनता आ गई तो बहुत भीड़ हो गई थी, फिर जगह नहीं मिलती थी। तो हम एक टेंट में हमको 2 जनों को, मैं मूलचंद पहलवान, बाकी लोग साथ में अलग अलग थे, हम दो ही वहाँ ठहरे थे। लेकिन मुझे क्या कि उस टाइम भी गाय के दूध का शौक था तो हमने देख लिया था, सामने ही थोड़ी सी दूर पर एक गाय थी, हम उसको पैसे दे देते और सुबह सुबह हमको गाय का दूध पिला देता। तो हम दिन भर हमारा बड़ा अच्छा निकलता था। खाने में मंदिरों में जहाँ था भंडारे वहाँ खा लेते थे। लेकिन ऐसा जो आंदोलन हुआ है न तो आज दिन तक कभी आंदोलन हुआ है ना होगा, क्योंकि लोगों को राम के प्रति बहुत भावना थी। विदेशों से भी लोग आए थे और वो भी अपने अपने ग्रुप में ठहरे थे। मैं समझता हूँ कि वो जो सपना था हमारा पूरा कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमको गौरव की बात है कि 22 तारीख के दिन उसका ओपनिंग कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात। क्योंकि हम जनता के बीच में जाते थे, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग हमसे बार बार पूछते थे कि राम मंदिर के नाम पे पैसा वोट लेने तो आ जाते हो लेकिन राम मंदिर कब बनाओगे? तो अब हमको जाके ये कहने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको ये कहते हैं कि राम मंदिर बन गया है, 22 को उद्घाटन, आप दर्शन करने जाओ। आज ही हम लोग सुबह सुबह संघ परिवार के लोग आए थे, उनके साथ पीले चावल पूरी का आज को 2 ही कॉलोनी में हमने बांटे हैं और लोगों से ये कहा है कि वो, मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख के दिन उज्जैन दिवाली जैसा मनना चाहिए। लोग अपने अपने दीपक लगाए, जैसे अपन घरों में लगाते हैं दिवाली की साफ सफाई करते हैं, लाइट लगाए, इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है कि कोई हमारा राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। धन्यवाद। पूरे भारत में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं जो लोग 1990 और 92 के कार सेवक थे वे आज अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। उज्जैन में भी साधु संतों के साथ अलग अलग टुकड़ियों में कार सेवक पहुंचे। इन कार सेवकों में उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन भी शामिल थे। उन्होंने इस दौरान के कई किस्सों को हमारे संवाददाता के साथ साझा भी किया। उन्होंने बताया कि जब 1990 में कार सेवा शुरू की गई उस दौरान हमें पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। अयोध्या में भीड़ बढ़ने के बाद एक बार फिर कार सेवा शुरू की। 1992 में कर्फ्यू लगा होने के बावजूद विवादित ढांचे को हमारे सामने ही तोड़ा गया। उस समय उज्जैन के कई लोग वहां पर मौजूद थे। साधु संतों के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य धार्मिक संगठनों के कार सेवक भी मौजूद थे। मृदुभाषी प्रदेश के लिए उज्जैन से अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।